सबको नमस्कार। कोरोना के बाद में निरंतर इस तरह के कार्यक्रम की श्रृंखला फाउंडेशन द्वारा बनाई जा रही है, इसके लिए मैं सभी साथियों की ओर से फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इससे पूर्व भी अभी हमने अनुपमा जी की पुस्तक पर चर्चा की थी, आज कार्य गोष्ठी हुई है, तो निश्चित रूप से यही एक जरिया है काम को बेहतर करने का। हो सकता है आज हम अपनी कुछ रचनाएं नहीं पढ़ सके, कुछ रचनाएं पढ़े, कुछ व्यक्ति नहीं आ सके, कुछ व्यक्ति आए, लेकिन अगर ये सिलसिला इस तरह बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यहां बैठे हैं वो सब लोग एक भी तो पारंगत होंगे ही सही, लेकिन एक हमारे जिले में नया माहौल बनेगा और वो इस तरह के काम के लिए बहुत जरूरी। मैं सक्सेना साहब और यहाँ हमारे अतिथि बैठे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जैसे ही कार्यक्रम की सूचना मिली, मैं उसी दिन तय कर लिया था कि भाई नाम हो चाहे नहीं हो, लेकिन सुनने अपन जरूर चलेंगे, क्योंकि सुनना भी तो हमें बहुत जरूरी है और दूसरों का मनोबल भी उससे बढ़ता है। तो हम यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। आने के बाद जैसे हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ममता जी है, रेखा जी है, बाकी यहाँ जो सुन रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं भी एक कविता लिखी है सफर, क्योंकि आजकल का क्या है, सफर बड़ा दुस्सर सफर हो गया है, तो सफर के बारे में कुछ चंद लाइनें लिखी है मैंने। जिंदगी का सफर है सकून से है जीना, जिंदगी का सफर है सकून से है जीना, खुशी और गम आते हैं सबको है पीना, खुशी और गम आते हैं सबको है पीना। जिंदगी है ईश्वर की अमानत, जिंदगी है ईश्वर की अमानत, कहां वो कब हो जाए खत्म, कहां वो कब हो जाए खत्म। मिलनसार रहो सबसे मत दो किसी को सितम, मिलनसार रहो सबसे मत दो किसी को सितम। जिंदगी के सफर को बनाना है हसीन और सुंदर, जिंदगी के सफर को बनाना है हसीन और सुंदर। तो निस्वार्थ जीवन में मेल लाओ मन के अंदर, निस्वार्थ जीवन में मेल लाओ मन के अंदर, हमेशा रखो ईश्वर पर आस्था, ईमानदार से करते रहो कर्म, हमेशा रखो ईश्वर पर आस्था, ईमानदारी से करते रहो कर्म, जीवन सफर पवित्र होगा धर्म का भी यही है मर्म, जीवन सफर पवित्र होगा धर्म का भी यही है मर्म। जीवन में कई चुनौतियां, पर अच्छा मिले हम सफल तो हिम्मत को हौसले के साथ कट ही जाता है जीवन सफल, कट ही जाता है जीवन सफल। हर सुख दुख का साथी कहलाता है हम सफल, विश्वास और पीठ थपथपाने से, विश्वास और पीठ थपथपाने से आसान होता है जीवन का सफर। जीवन का सफर हो ऐसा याद करे सब लोग हमेशा, जीवन का सफर हो ऐसा याद करे सब लोग हमेशा। मर कर भी अमर हो नाम कर्म करे हम सब ऐसा, मर कर भी अमर हो नाम कर्म करे हम सब हमेशा। जब जब भी आए समस्या, जब जब भी आए समस्या, संभल में हम सफर को लेकर सहारा देकर सहारा, लेकर सहारा देकर सहारा, बढ़ाते रहे जीवन सफर को। कहते हैं गम खाने वाला ही, कहते हैं गम खाने वाला ही बाद में बनता है बादशाह। रखो सारा जीवन कुछ विचार, तो भूख होगी जीवन में वाह हवा, तो भूख होगी जीवन में वाह हवा। कुछ लता जी की स्मृति में भी मैंने लिखा था और काव्य गोष्ठी है, तो लता जी हमारे लिए शान है। तो किसी साथी ने कहा था कि आप लिखते हैं तो लता के बारे में तो खैर हम इतना है नहीं कि उनकी पूरी बात को लिख सके, लेकिन जितना जोड़ने की कोशिश की है वो आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। पहली काव्य गोष्ठी है, तो काव्य गोष्ठी में लता जी को याद करना मैंने मुनासिब समझाया नहीं। वो ऐसी प्यारी थी लता जी आपकी आवाज, वो ऐसी प्यारी
शादी थी लता जी आपकी आवाज 5 वर्ष की आयु से ही गायकी में भरी ऊंची परवाज। 5 वर्ष की आयु से ही गायकी में भरी ऊंची परवाज। 13 वर्ष में ही उठा सर से पिता का साया। 13 वर्ष में उठा सर से पिता का साया। 4 भाई बहनों के पालन का बोझ कंधों पर आया। 4 भाई बहनों के पालन का बोझ कंधों पर आया। वह को भी अपना धर्म निभाया पर खुद को बिल्कुल भुलाया। वह को भी अपना धर्म निभाया पर खुद को बिल्कुल भुलाया। जीवन संघर्ष करते हुए अविवाहित जीवन पाया। जीवन संघर्ष करते हुए अविवाहित जीवन पाया। सबको खूब पढ़ाया लिखाया। खुद ने शिक्षा घर पर पाई। लता जी ने सारी शिक्षा घर पर पाई। सबको खूब पढ़ाया लिखाया। खुद ने शिक्षा घर पर पाई। डॉक्टरेट की डिग्री लेकर हेमा से लता कहलाई। डॉक्टरेट की डिग्री लेकर हेमा से लता कहलाई। 50 तरह की भाषाओं में 50,000 नगमे गाए। 50 तरह की भाषाओं में 50,000 नगमे गाए। भारत रत्न प्राप्त करके पूरी दुनिया में नाम कमाए। भारत रत्न प्राप्त करके पूरी दुनिया में नाम कमाई। ये मेरे वतन के लोगों जब धरत भरी आवाज में गाई तो पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आए। ये मेरे वतन के लोगों जब धरत भरी आवाज में गाए तो पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू छलकाए। सदा आपका ऋणी रहेगा। सदा आपका ऋणी रहेगा भारत देश का गीत और संगीत। हर इंसान को जगाए रखेगी आपकी मीठी मीठी प्रीत। हर इंसान को जगाए रखेगी आपकी मीठी मीठी प्रीत। आपकी जैसी आवाज ना थी और ना ही अब कभी होगी। आप न रहने